हाँ तो फ्रेंड्स, क्या एंड हो गई है क्रिप्टो मार्केट, क्या एंड हो गया है क्रिप्टो मार्केट का सीजन, क्या होगा ऑल्ट कॉइन का, और क्या यहां से बिटकॉइन और भी लगातार गिरता जाएगा, क्या होना चाहिए हमारा नेक्स्ट स्टेप और कैसे होनी चाहिए हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल की वीडियो के अंदर एंड में मैंने आपको कहा ही था कि कल शायद मैं आप लोगों के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी की एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं जो हमने प्रॉफिट बनाया है इस सीजन के अंदर, उस प्रॉफिट को हम घर लेके जाए रैदर देन हम मार्केट के अंदर ही दे दे। लेकिन एक ही दिन के अंदर मार्केट अगेन दोबारा से क्रैश हुई और मौका नहीं मिला आप लोगों के लिए ये वीडियो को अपडेट करने का, उससे पहले ही मार्केट थोड़ी बहुत क्रैश हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी कुछ स्ट्रेटजीज देना चाहूंगा, काफी कुछ आपके माइंडसेट को क्लियर करना चाहूंगा, ताकि आप लोग समझ पाए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है और कैसे हमारे को अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रखना है, और इनफैक्ट इस पोर्टफोलियो को इंक्रीज करते हुए एग्जिट स्ट्रेटजी को भी तैयार करना है। तो फ्रेंड, मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग जिसने इतने बड़े इस ऑड सीजन के अंदर बहुत पैसा कमाया है वो प्रॉफिट को बढ़ा सके, रेदर देन ये जो प्रॉफिट है हमारी पॉकेट से चला जाए उसको हम बनाए रखे, उसको हम बढ़ाते रहे। तो फ्रेंड, अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार, मेक श्योर चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि सभी आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई वीडियो हमारे चैनल के ऊपर डालें। आप लोगों से करना चाहूंगा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लाइक करिएगा, उतना ज्यादा प्यार दीजिएगा, उतना ज्यादा सपोर्ट दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाता रहूं, जिससे कि आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना सके ऑनलाइन फील्ड के अंदर एंड क्रिप्टो करेंसी का यूज करके। जानते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके कि बेसिकली हुआ क्या मार्केट के अंदर सडनली, और अब हमारे को क्या स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए, हमारे को क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, हमारे को क्या अपने ऑल्ट कॉइन सभी बेच देने चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा नेक्स्ट स्टेप, उसके ऊपर अब हम ध्यान से एक बार बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अगर हम मार्केट की इस वक्त बात करें तो अचानक से मार्केट में से नियरली 300 बिलियन एग्जिट कर चुके हैं। 300 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि एक ही दिन के अंदर एग्जिट हुआ है मार्केट से। लेकिन इंपॉर्टेंट है रीजन जानना कि क्यों हुआ इतना बड़ा डंप, क्यों हुआ इतना सारा मार्केट में से पैसा बाहर, मार्केट में क्यों बाहर गया। उसका रीजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कल एक न्यूज आई जिसकी जो कि थी बिडेन की, जिन्होंने अनाउंस किया कि रिचेस के लिए बहुत बड़ा टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि जो भी रिच कैटेगरी के अंदर आएगा उनको 43.4% टैक्स रेट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा क्रिप्टो के अंदर। बिकॉज क्रिप्टो को हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एसेट जिसके अंदर की लोग ज्यादा अर्निंग करते हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर रिच कैटेगरी के लोग एंटर करते हैं, तो उनके ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ा कि शायद ये न्यूज उनके लिए है डायरेक्टली, 43.4% उनके ऊपर इनकम टैक्स पड़ सकता है। ये बात करी गई, ये कोई डिक्लेयर नहीं किया गया, ये सिर्फ बात करी गई और र्यूमर ने मार्केट के सेंटिमेंट को बिगाड़ा। और सेकेंड न्यूज साथ ही साथ आई, टर्की के अंदर क्रिप्टो के काफी एक्सचेंजेस बैन हुए और क्रिप्टो बैन की सीधा अनाउंसमेंट आई, जिसकी वजह से अगेन ऑफकोर्स किसी कंट्री के अंदर जब क्रिप्टो बैन होगी तो फॉर श्योर उनके यूजर जो है वो अपनी क्रिप्टो को एग्जिट करेंगे, अपनी क्रिप्टो को एग्जिट करेंगे तो वो फॉर श्योर उसको या तो यूएसडीटी में करेंगे या उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे को अचानक से बहुत बड़ा दोबारा डंप देखने को मिला, और जिसकी वजह से मैं कहूंगा अराउंड दोबारा से $4,000-5,000 BTC नीचे गिरता हुआ हमारे को दिखाई दिया। ये थे दो मेजर रीजन, ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पहले जानने के लिए कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या और क्यों हुआ, अब हमारे को क्या स्टेप लेना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे क्रिप्टो तो नीचे गिरी फॉर श्योर, बिटकॉइन तो नीचे गिरा इन दो न्यूज की वजह से, लेकिन अभी क्रिप्टो के अगर मैं सेंटिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं लास्ट 10 डेज की बात करूं, तो लगातार 10 दिन से BTC हर रोज एक नई रेड कैंडल बना रहा है और लगभग टॉप से $17,500 नीचे आ चुका है, जो कि हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छी और हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। न्यूज ने इंपैक्ट करके BTC को नीचे जरूर लाया है, और इस वक्त मैं कह सकता हूं काफी हद तक वीक हैंड्स जितने लोग हैं जो कि नर्वस हो जाते हैं, जो कि मार्केट में सिर्फ जिन्होंने एंट्री किया है थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेने के लिए, वो फॉर श्योर इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद एग्जिट हो जाते हैं, और अब मार्केट में रह जाते हैं ओनली स्ट्रांग होल्डर्स जिनको क्रिप्टो के ऊपर विश्वास है, जिनको क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बड़े मेजर क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन के ऊपर विश्वास है, वो इस वक्त होल्डिंग पावर अपनी दिखा रहे होते हैं। मैं यहां पे बात करूंगा, अभी BTC चल रहा है $48,200। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स बियरिश नहीं है,
मार्केट के सेंटिमेंट अभी भी बुलिश साइड पे है, लेकिन हमारे को प्रिपेयर रहना है, कोई और नेगेटिव न्यूज अगर यहां पे एड ऑन हो जाती है तो मार्केट बुलिश से बियरिश तभी कन्वर्ट होती है जब मार्केट के अंदर बियरिश सेंटिमेंट आ जाते हैं। अभी पहली न्यूज ये जो बिडेन की आई, दूसरी न्यूज जो कि टर्की की आई, अगर अब इसके साथ कोई और न्यूज इस हफ्ते में हमारे को देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि BTC $40,000 भी चला जाए और ऑल्ट क्वाइन और भी ज्यादा गिरने शुरू हो जाए। लेकिन हमारे को उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर इतना ज्यादा जब प्रॉफिट होता है तो फॉर श्योर उसके अंदर लॉस भी हो सकता है। बिकॉज हर बार मैं आपको वीडियो के अंदर वार्निंग यही देता हूं कि हमेशा क्रिप्टो के अंदर अपना पैसा निकाल लेना, उसके ऊपर का प्रॉफिट निकाल लेना और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है उसी से क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना, उसी से आप अलग अलग क्वाइंस लेना ताकि आपका खुद का पैसा सेफ रहे, क्योंकि तब आप नर्वस ना होके फ्री में, आप फ्री टेंशन फ्री होके आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अब हमारे को बनानी है एक ऐसी एग्जिट स्ट्रैटेजी जिसके अंदर कि अगर आने वाले वक्त के अंदर और भी बुरी न्यूज आ जाती है, आने वाले वक्त के अंदर और भी ऑल्ट कॉइन अगर गिरने लग जाते हैं तो हमारे को क्या स्टेप लेना चाहिए उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से हमारे को सबसे मेजर स्टेप लेना है, हमारे को अब छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं ऑल्ट कॉइन के अंदर। अभी तक हमने बहुत सारे कॉइन्स के अंदर 10x, 20x, 50x, 100x की बहुत सारी बातें करी है, अब वो बातें हमारे को छोड़नी पड़ेगी। रीजन उसका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो मार्केट कम से कम 15 बार इस सीजन के अंदर रिकवर कर चुकी है। ये जो हम डंप देख रहे हैं ऐसा डंप 15 बार आ चुका होगा इस बार, $10,000 का नहीं, कभी $7,000 का, कभी $6,000 का, कभी $8,000 का, मार्केट रेड हुई अचानक से और उसके 3 दिन बाद दोबारा ग्रीन होगी मार्केट, वो हमारे को अभी भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मार्केट कब तक और कितनी बार रिकवर करेगी ये हमारे को नहीं पता, शायद 10 बार कर चुकी है, 15 बार कर चुकी है, शायद 16वीं बार मार्केट का ट्रेंड बदल जाए और वो बियरिश हो जाए। तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए हमारे को छोटे छोटे अब टारगेट बनाने पड़ेंगे हमारे ऑल्ट कॉइन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी कॉइन के अंदर अगर एंट्री ली है 1,000 सतोशी पे, हमारे को अब टारगेट बनाना पड़ेगा रैदर देन 5x, अब हम डिसाइड करेंगे 50% 30% प्रॉफिट अगर इस क्वाइन में हो जाता है आई विल एग्जिट फॉर माई फंड और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको मैं लॉन्ग रन के लिए रखूंगा, या जो प्रॉफिट है मैं उसको 30% निकाल लूंगा और बाकी 70% को रहने दूंगा। हमारे को अब छोटी छोटी प्रॉफिट की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी रैदर देन होल्डिंग अवर क्वाइंस फॉर मेजर टाइम। तो जब हम ये टारगेट्स बनाएंगे छोटे छोटे टारगेट्स तो हमारे लिए इजी हो जाएगा हमारे पैसे को खुद को बाहर निकालना मार्केट से और साथ ही साथ प्रॉफिट को बुक करना इजी हो जाएगा। तो आपको अब प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज हो सकता है एनी टाइम मार्केट अगर सेंटीमेंट बिगड़ जाते हैं तो हम तब भी प्रॉफिट स्टेज के ऊपर होने चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार ये बात बोलता हूँ, क्रिप्टो मार्केट कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ पैसा मिलता ही रहेगा। इस मार्केट के अंदर जब सेंटीमेंट अच्छे है, जब मार्केट बुलिश है, जितना पैसा लपेट सकते हो लपेट लो। अगर मार्केट बेयरिश हो रही है तो इस मार्केट के साथ जिद्दी मत बनो, ये बहुत बहुत ज़रूरी लाइन है, इस लाइन को याद रख लेना। मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ, मार्केट से जिद मत करो। अगर मार्केट कह रही है नहीं मैं अब बेयरिश जाने वाली हूँ और दिख रहा है कि ऑल्ट कॉइन बार बार नीचे गिर रहे हैं, तो उस जिद के अंदर किसी कॉइन के अंदर 1,000 पे एंट्री लेना, फिर 900 पे एंट्री लेना, फिर 700 पे एंट्री लेना, फिर 600 पे एंट्री लेना, फिर 400 पे एंट्री लेना, ये सिर्फ पागलपंती होती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर मेरे को किसी प्रोजेक्ट में विश्वास है जिसके ऊपर कि मैं लॉन्ग टर्म पैसा लगा सकता हूँ तो यस आप वो स्टेप ले सकते हो। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट है जो कि वीक है लेकिन यस मेरी एंट्री से नीचे आ गया है, वो प्रोजेक्ट वीक है लेकिन मेरी एंट्री से नीचे आ गया तो मैं एवरेज करने के लिए एक एंट्री लूँ, फिर एक और एवरेज करने के लिए एंट्री लूँ, फिर एक और एवरेज करने के लिए एंट्री लूँ, मेरे को पता है वो प्रोजेक्ट वीक है लेकिन क्योंकि वो पहली एंट्री से मेरी नीचे आ गया तो मेरे को एवरेज आउट करने की आदत है तो मैं वो करता रहा और अपना लॉस बड़ा करता रहा। ये आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स उल्टे पड़ जाते हैं इस वक्त, अगर मार्केट बेयरिश ट्रेंड के ऊपर आ जाती है तो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अगर हो जाती है तो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। ये जो हुआ है ये हेल्दी करेक्शन है मेरे हिसाब से, अभी वीक हैंड्स को टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ, हमारे को प्रिपेयर करना है अपने आप को हर सिचुएशन के लिए ताकि हम प्रॉफिट के अंदर रहे रैदर देन टेकिंग लॉसेस। सेकेंड मेजर स्टेप जो कि मैं अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी के अंदर डालूंगा वो है, मैं ज्यादातर अब कन्वर्ट करूंगा अपने पोर्टफोलियो को इन मेजर क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन,
इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, पोलकाडॉट और भी मेजर जितनी लिंक, ऐसी मेजर करेंसीज के अंदर मैं अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को अब धीरे 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 कन्वर्ट करना स्टार्ट करूंगा रैदर देन पुटिंग इन स्मॉल 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 क्वाइंस। मेरे को रोज के बहुत मैसेज आते हैं, सर लो कैप क्वाइन बताओ जो कि धमाका कर दे और 100x हो जाए। मेरे हिसाब से आने वाला वक्त अभी बताएगा मार्केट का सेंटिमेंट कितनी जल्दी बदलते हैं। मेरे हिसाब से तो शायद अभी का थोड़ा बहुत टाइम फिर पड़ा है हमारे पास जिसके अंदर हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये जो आज इस वीडियो में बातें हो रही है, ये जो वार्निंग वाली बातें चल रही है, इसको अगर हम दिमाग में बांध लेंगे तो हो सकता है जो अभी हमारे को प्रॉफिट होगा 2-3 महीने, उसके बाद ये स्टेटमेंट जो आज मैं कर रहा हूँ ये इम्पैक्ट करे आपको और उसकी वजह से आप अपने अकाउंट को, अपने पोर्टफोलियो को बचा पाए। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा ये दो स्टेप को अभी आप फिलहाल लेना स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाइए, जिसके अंदर कि आप छोटे 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 टारगेट्स बनाएं अपने ऑल्ट कॉइन। जब भी आप एंट्री लो छोटे छोटे टारगेट्स के ऊपर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो। दूसरा, ट्राई टू स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू मेजर करेंसीज। मेजर करेंसीज के अंदर अगर हम अपने आप को कन्वर्ट करते हैं बिकॉज उनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, प्रोजेक्ट स्ट्रांग है एंड वो प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाले, तो हमारे को उन प्रोजेक्ट्स के अंदर लॉन्ग रन में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आपको मैं बता देता हूँ एक और स्टेटमेंट को मैं ऐड करना चाहूँगा। हमारा ब्रेन जो चलता है वो चलता है बिल्कुल सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग और हमारा ब्रेन चलता है जो उसको दिखाया जाता है वो उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट में आ चुका होता है। BTC जब $20,000 था, $60,000 के ऊपर आप में से कितने ही लोगों ने BTC को लॉन्ग किया होगा। रीजन बीइंग क्योंकि अब ओवर कॉन्फिडेंस का स्टेज आ गया है कि यस BTC तो अब यहाँ से 70,000-75,000-80,000-90,000 जाएगा। सिमिलरली आप में से काफी लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा मैं Binance BNB कॉइन का, आप में से हजारों लोगों ने BNB टोकन को $50 से नीचे आज तक नहीं लिया होगा, $100 पे भी नहीं लिया होगा, लेकिन $300, $400, $500 पे आज आप उसको लॉन्ग कर रहे हो। व्हाई? रीजन, हमारा सेंटिमेंट, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन कह रहा है अब तो ये लेवल इसका सेट हो गया, इससे नीचे तो ये जाएगा ही नहीं। इस बात को दिमाग से निकाल दो, दिस इज क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर ये कहना कि ये इस लेवल से नीचे जाएगा ही नहीं, ये एक पागलपंती है मैं कहूंगा। बिकॉज अगर आप बात करें $650 लगा BNB लगा, उसके बाद 400 भी वो लग जाता है, उसके बाद दोबारा वो शायद 650 पार जरूर कर जाएगा क्योंकि उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसकी टीम स्ट्रांग है। लेकिन ये कहना कि वो इसके नीचे नहीं जाएगा ये गलत है। लेकिन आप में से अपने आप खुद दिमाग से पूछना, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने BNB को $100 तक नहीं लिया, 200 तक नहीं लिया और 300 पे जाकर ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मैं 300 पे BNB को लॉन्ग करूंगा क्योंकि ये अब ऊपर जाएगा। तो ये हमारे सेंटिमेंट्स, दिमाग, ब्रेन सेट कर देता है जब हम मार्केट को रोज देखते हैं उस लेवल के आसपास। अभी के लिए $17,500 का डंप देखने को मिला है। मैं मानता हूं मार्केट इस वक्त काफी यहां से करेक्ट करनी चाहिए और $51,000-$52,000 हमारे को BTC आने वाले दिनों के अंदर दिखेगा, 2-3 दिनों के अंदर हो सकता है। और जैसे ही वहां पे आएगा मार्केट दोबारा ग्रीन स्टेज में आएगी, ऑल्ट कॉइन अच्छा प्रॉफिट देंगे। लेकिन इस वीडियो को दिमाग में बांध लेना कि हमारे को अपना प्रॉफिट बुकिंग अब स्टार्ट करना है, हमारे को अब अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी भी प्रिपेयर करनी है। बिकॉज ये मार्केट हो सकता है अभी अप्रैल चल रहा है, सितंबर तक चल जाए, ये मार्केट हो सकता है महीने बाद खत्म हो जाए और मार्केट उसके बाद डंप होनी शुरू हो जाए। तो हमारे को हर उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है और प्रॉफिट बुक करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। आज की वीडियो में यही, बस आज की वीडियो में बस इतना ही मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये लेसन, ये बातें आपको शायद इम्पैक्ट करेगी और आपको समझ आ पाएगा मार्केट के सेंटीमेंट्स इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आपको अब ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो अगर पसंद आई हो मेरे दोस्त तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जितने ज़्यादा हो सकता है लाइक्स उतने ज़्यादा लाइक्स करिएगा। बिकॉज आप लोग जब लाइक करते हैं, आप लोग जब कमेंट्स करते हैं अपने, मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहता हूँ और आप लोगों को ट्राई करता हूँ एजुकेट करने की, जिससे कि आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बना पाए क्रिप्टो फील्ड के अंदर, ऑनलाइन फील्ड के अंदर। आज के लिए भाई इतना ही मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर हम 3,000 से भी ज़्यादा लाइक्स हासिल कर पाएंगे। आज के लिए भाई इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।